इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप पर डिलीट हुए मैसेज को कैसे देखें, मींस कैसे रीड करें। अक्सर हाँ आपने नोटिस किया होगा, आपके दोस्त लोग या फिर आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपकी जीएफ या फिर बीएफ आपको व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार का मैसेज सेंड कर देता है और सेंड करने के तुरंत बाद उस मैसेज को डिलीट कर देता है। और डिलीट जैसे ही करता है तो आपके व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके का मैसेज शो होता है, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब जब आप इस मैसेज को देखते हैं तो आपके मन में एक खलबली सी मच जाती होगी कि आखिर में यह मैसेज क्या था, क्यों डिलीट किया गया, और अगर डिलीट ही करना था तो भेजा ही क्यों था। ठीक है, मतलब तरह तरह के सवाल आपके मन में आने लगते हैं। बट अब आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक व्हाट्सएप पर डिलीट हुए मैसेज को रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैं दूसरे मोबाइल फोन से, यानी कि इस मोबाइल फोन पर मैसेज सेंड करता हूं और उस मैसेज को आपके सामने डिलीट कर देता हूं। ओके, उसके बाद उस मैसेज को कैसे रीड करना है इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले आप मैसेज यहां पर देखते रहिएगा, मैं क्या मैसेज सेंड करता हूं। वैसे अगर आपको कोई मैसेज सेंड करता है तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सा मैसेज था, क्या था, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे करके दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो, विश्वास हो जाए। तो यहां पर मैं मैसेज सेंड करूंगा हेलो, ओके, और सेंड कर देता हूं। यहां पर देखिए मैसेज आ चुका है। इसके अलावा मैं यहां पर सेंड करता हूं एक और, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैसेज आ जाएगा जैसे ही मैसेज सेंड करूंगा, ओके आ चुका है। अब होता क्या है कि मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद उस मैसेज को दूसरे ही मोबाइल फोन से, आप स्क्रीन को केयरफुली देखिएगा, यहां पर दूसरे ही मोबाइल फोन से उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया जाता है। अब यहां पर देखिएगा दिस मैसेज वाज डिलीटेड का ऑप्शन आ जाएगा कुछ ही सेकेंड में। ओके, आप यहां पर वेट कर लीजिए, दिस मैसेज वाज डिलीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब ऐसे में ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में ऐसा क्या लिखा हुआ था इस मैसेज में जो कि उस बंदे या फिर बंदी की तरफ से डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। आपके मन में एक खलबली सी मच जाती होगी कि आखिर में ऐसा क्या था, कौन सा मैसेज था, क्यों डिलीट किया गया, मतलब तरह तरह के सवाल आ जाते होंगे मन में। देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने आ चुका है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, ठीक है। अब आखिर में इस मैसेज को पढ़े कैसे, तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, आप सिंपल क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में एक सेटिंग कर लीजिए। सिंपल आप मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है, ओके। और ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल फोन में, यानी कि हर एक एंड्रॉयड फोन में बाय डिफॉल्ट ये बंद ही रहता है, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना है, बस इतना ही काम आपको करना है, उसके बाद बैक आ जाना है, ओके। अब देखिए मैं आपके सामने लाइव मैसेज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। फिर से मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करता हूँ, तो मुझे पता नहीं है क्या मैसेज है क्योंकि मैंने देखा नहीं है, कोई मुझे भेजा है मान लीजिए और उस मैसेज को डिलीट कर दिया गया, तो मैंने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है ना। मैसेज वहां पर जाएगी, नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, बट उस मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है। देखिए मैसेज आ चुका है, ओके, बट आपने उस मैसेज को रीड नहीं किया। जैसा कि देखिए फिर से मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, इस मैसेज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपके सामने मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट फॉर एवरीवन कर दूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन बार में दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से मैसेज आया हुआ है। अब इस मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूं डिलीट फॉर एवरीवन करके, तो यह मैसेज डिलीट हो जाएगी आपके व्हाट्सएप अकाउंट से, ओके। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, सिंपल आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर व्हाट्सएप मैसेज डिलीट हो चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस मैसेज को देखने के लिए आप वहीं पर आ जाइए सेटिंग्स को ओपन करके, ठीक है ना। यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं, तो मोर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप टू नोटिफिकेशन, ठीक है। और कौन कौन सा मैसेज था इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लाइव मैसेज सेंड किया था और डिलीट भी किया था, वो दोनों के दोनों मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं। बस आपको करना क्या है, इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है हमेशा। उसके बाद अब इन फ्यूचर अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सेंड करता है और डिलीट कर देता है तो उस सिचुएशन में भी आप उन सारे मैसेज को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब काफी सारे यूजर्स ये कमेंट करेंगे कि मेरे मोबाइल फोन में यह ऑप्शन नहीं है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का सेटिंग्स नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं,
आपके मोबाइल फोन में अगर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का सेटिंग नहीं है, वैसे तो लगभग हर एक एंड्रॉयड फोन में होता ही होता है, बट अगर आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो सिंपल आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए WAMR, इस तरीके से आप टाइप कीजिए और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद इस तरीके से एक एप्लीकेशन आएगा, इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और परमिशन जो भी मांगा जाए उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद सेम यह जो एप्लीकेशन है वही काम करेगी जो वहां पर आपको सेटिंग्स में देखने को मिला था, मींस जो भी व्हाट्सएप में मैसेज आएगा अगर वो मैसेज डिलीट हो जाता है तो वो डिलीटेड मैसेज को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये दोनों तरीका काफी गजब का है और बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल ही आसानी पूर्वक आप डिलीट हुए मैसेज को देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या डाउट या सवाल है आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।